गुरुदेव, जैसे भी आप वर्णन कर रहे थे, तो क्या प्रियालाल प्रत्यक्ष में दर्शन भी देते हैं? प्रत्यक्ष का संग रहना होता है, प्रत्यक्ष की तो यहाँ बहुत छोटी बात है। जैसे सह शरीर, जैसे अभी हम आप लगो तो पहले हम और तुम गुम हो जाए ना। ये गुम हो जाने पर छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भर, छिन जस का, ये वाणी जी कह रहे, हम थोड़ी कह रहे हैं, निरंतर सानिध्य रहता है, निरंतर, कभी भी अदर्शन नहीं होता। ऐसा नहीं कि केवल भाव में प्रकट में भी, पर हम जब तक है तब तक, जब हम का समर्पण हो जाए, हम न तुम दत्तर गुम, तो शुरू हो गया फिर कुंजुक विलास। अब धीरे धीरे लगे रहो उनके, और अपने लगे रहने का के मतलब श्वासे समर्पित करते रहे काम, तो उनकी कृपा से हो जाएगा। करुणा सिंधु है, कृपा से विश्वास करे, हमें कोई हलचल बर्दाश्त नहीं करनी मन की, हम आपके हैं, मिल गरज हो तो मिल जाना, ना गरज हो तो जहाँ मनावे जैसे मनाओ वैसे रखना, हम आपके हैं, बस ये ठसक रख लो, सब बात बनना शुरू हो जाएगा अपने आप। आप जितना चाहते हैं उससे करोड़ अनंत गुना बढ़ करके आपको प्रभु चाहते हैं, क्योंकि वो महाप्रेमी है ना। आप मान लो थोड़ा उनसे प्रेम करते हैं तो अपने अनुसार ही तो करते हैं, और वो जब प्रेम करते हैं हमसे तो वो अपने अनुसार करते हैं, तो उनका प्रेम समुद्र है ना। हमारी छोटी मोटी बातें सब वहां समझ में नहीं आती, मिलते क्यों है, मिलते क्यों? हमारी वास्तविक चाह नहीं है, जब तक हमारी कोई और चाह है तब तक। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, यामे पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट, समझ रहे ना। तो अभी कहीं हम जिंदा हैं, अभी कहीं हम हैं, और जिस दिन हम समर्पित हो जाएगा उस दिन ये शिकायत नहीं होगी कि मिलते क्यों नहीं, क्योंकि जब तक हम खोज रहे हैं तब तक वो मिल नहीं रहे, और जब वो मिले तो खोजने वाला ही नहीं रहा, समझ रहे, या ये समझ लो जब खोजने वाला ही नहीं रहा तभी वो मिलते हैं, खोजने वाला ही नहीं। उनके चिंतन विरह कमंडल कर लिए वैरागी दो नयन, मांगत दरस मधु करी छके रहते दिन रहे, संपूर्ण संसार से वैराग्य है हृदय में आग लगी कैसे प्रभु मिले, बस इसी बात की भिक्षा है कब मिलोगे कब मिलोगे। तो जब प्रभु के लिए तड़पन अंदर इतनी व्याप्त, तो ऐसे अनुभव, ये तड़पन रूप में ही तो प्रभु आए हैं, धीरे 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 हमारे हृदय में प्रकाशित होने लगते हैं। प्रभु का साक्षात्कार यहाँ होता है, जो यहाँ होता है अंदर से हो गया तो नेत्र जिधर जाते हैं, जित देखूं तित श्याम में, जो जिधर दृष्टि डालता अपना प्रीतम मुस्कुराता दिखाई देता, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जहाँ दिखत त्या श्याम खड़े, बिहल विकाल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। ये इस पर ये जगत पावन करने वाले महात्मा का स्वरूप है, और वो हम सबको चांस मिला है। महात्मा का स्वरूप होता है ये तो वह आचार्य परंपरागत वेश है, कोई भी महात्मा हो सकता है, स्त्री पुरुष, पैंट शर्ट में काले गोरे पीले ऊंच नीच, ये सब छोटी मोटी मार्ग के गड्ढे है। मार्ग जो है वो महात्मा का है, जो कोई भी उपासना करता है तो महात्मा हो जाता है। ये तो एक महात्मा का वेश है, अगर वो स्वरूप नहीं है तो वेश तो दुखदाई है फिर, अगर वेश भी और स्वरूप भी है तो धन्य है, वेश नहीं पर स्वरूप है तो धन्य है, उसमें कोई अंतर थोड़ी पड़ेगा।